हाँ और लालन, तुम और मैं हम एक ही पोजीशन पे हैं, बाहर वाले हैं ना। अगर मैं इस टेबल पे बैठी होती ना तो शायद मुझे भी ताने ही सुनने पड़ते। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। बड़ो बोदी, बहुत भूख लगी, खाना खाए? हाँ मीनू, सब तैयार है, आओ बैठो। हो सके तो लालन को भी मना लो, शायद तुम्हारी बात मान ले। अरे लालन को मनाने की क्या जरूरत है, लालन खाएगा, उसका हक है। और लालन तुम मना मत करना, देखो लालन बहुत मेहनत की है इन्होंने, और बड़ो बोदी ने तो इतना प्यार और मेहनत से सारा खाना बनाया, तुम नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा। और अब मीनू एक रूठे हुए बच्चे को समझाया हुआ जैसे लालन को मना रही है सबके सामने। पर क्या ये तनुजा को पसंद आ रहा है? मैंने अकेले नहीं, छोटू ने भी। दादा छोड़ो ना ये सब, जाने दो। क्यों छोटू, सच्ची तो बोल रहा हूँ ना। दादा आप मेरे बड़े भाई, आपने अगर मुझसे मदद मांगी तो मेरी खुश नसीबी है। अरे इस घर का हर एक सदस्य बाहर सर उठाकर आपकी वजह से घूमता है। अगर जवानी में आपने सैक्रिफाइस नहीं किए होते तो मेजदा आज इतने बड़े लॉयर और इतना पैसा नहीं कमा पाते। और लालन इन्हें क्या पता, अरे ये दोनों बच्चे हैं अभी। छोटून मीनू पीछे इसे बैठने बोलो ना। ए बैठो ना। हेलो प्लीज बैठ जाओ। प्लीज बैठ जाओ बेटा। सही कह रहे हो, आपको अपन बेइज्जत नहीं कर सकते। और अब फाइनली लालन को समझ आती है बात, अपनों से थोड़ी नाराज होते हैं कोई, लोगों की फिजूल की बातें और लोगों के चलते। और अब एक अजीब सन्नाटा छाया है डाइनिंग टेबल पर, वहाँ जहाँ एक परिवार हंसी खुशी खाना खाता है, आज खाने पर ही ताने मारे जा रहे हैं। पर लालन अब ठीक है, अपन बैठेगा। और तुम दोनों रूमी मीमी, अपन गरीब है लेकिन चुनकर अपना पसंदीदा खाना, ये इस परिवार का स्टाइल है ना। तो आज अपन भी इसी स्टाइल में खाना खाएगा। और वो क्या बोला था तुमने, नया वाला वो छानोर कोफ्ता, ये लो इसमें जो, इसमें जो। आराम से खाओ, जो मन है वो खाओ, अपन के ससुर का ट्रीट है। क्या हुआ काकी माँ? वो जीजू और साली का मजाक चल रहा है। आप भी तो बोली थी ना मजाक, कुछ सेंसिटिव हो रहे थे लोग, कुछ गलत किया क्या अपन? और अब कुछ देर पहले तक बकड़ बकड़ करने वाले लोगों की बोलती एकदम से बंद हो जाती है। अरे मिमी चुप क्यों हो, अरे जवाब दो। देखो लड़ाई होनी चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। विपाशा क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? क्या मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं मुझे लगा कोई जवाब सोच रही होगी। तुम बहुत साइड लेती हो ना इनकी। लिसन रिनाल्डी, ये हमारा फैमिली मैटर है और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और अब जो मृणालिनी करके संबोधित करी है तनुजा छोटौन के सामने, तो छोटौन भी अब पीछे नहीं हटने वाला इनको इन्हीं की औकात बताने के लिए। तुम एक बाहर वाली हो सो प्लीज। बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। इसे भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना,
क्या मतलब है तुम्हारा छुटौन? इतनी तो समझ होगी ना आपने? कोई बात, मैं समझा देता हूं। मृणालिनी को मैं बहुत जल्द अपनी वाइफ बनाने वाला हूं। और अब तो ये सुनकर जैसे कि तनुजा और बिपाशा की सांसें ही थम गई हो। ये क्या बोल रहा है छोटौन? उन्हें तो मीनू को कभी घर का हिस्सा बनाना ही नहीं था, तो फिर ये ऐलान कैसा? इनकी अनुमति के बगैर कैसे हुआ ये सब? पर बाबलू की तो खुशी की सीमा नहीं आज। और सच में अब जो मम्मी था करना ही पड़ेगा, सबसे पहले मैं करूंगी। मॉन्स्टर्स काकी मग। और आज जो खुशी की लहर इन सब के बीच में छाई है, इससे एक चीज तो तय है कि अब बोस परिवार वाकई में दो गुट में बट जाएगा, जहां पैसे गिनने वाले एक तरफ होंगे जो बस अपने ही तिजोरी को संभालते रह जाएंगे। क्योंकि जिंदगी की किताब में अगला पन्ना पर क्या लिखा है ये तो किसी को भी नहीं पता। जिस खाने के लिए इतना मजाक उड़ाए हैं लोग, कल किसी को नसीब हो ना हो किसको पता। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स के लिए, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या होता है यहां ऊंचे ऊंचे दीवारों के बीच और बस्ती में भी। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।